हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे टू स्टडी पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 40 को, जो कक्षा 6 से 8वीं के लिए है। सबसे पहले बच्चों, आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, देन अपने कक्षा अध्यापक का यहाँ नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं हम अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट को डिस्कस करने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको हमारी पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो वर्कशीट है बच्चों हमारी, वो बहुत ही इजी टॉपिक पर है, पतंगे। पतंगे तो बच्चों को उड़ाना बहुत पसंद है और बहुत से बच्चे पतंग उड़ाने में माहिर होते हैं। वो इस खेल को कंपटीशन के तौर पर भी खेलते हैं, एक दूसरे की पतंगों को काटकर, एक दूसरे की पतंगों से ऊंची उड़ाकर, किसकी पतंग ऊंची जाएगी, कौन किसकी पतंग को कितनी जल्दी काटेगा, तो एक कंपटीशन भी होता है। और हमारे कुछ स्टेट्स में ऐसी प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। तो बच्चों, पतंग उड़ाने का जो खेल है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। आज हमारी वर्कशीट में आपको ना तो कुछ लिखना है, ना कुछ ज़्यादा करना है, कैलकुलेशंस ना करनी, सिर्फ इसको एंजॉय करना है। वर्कशीट है, इस साल मैंने और मेरे भाई ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंगे उड़ाने की योजना बनाई, इसलिए हमने इस पर कार्टून के साथ दो पतंगे बनाई। आप ये दो पतंगे देख रहे हैं, ये दो पतंगे उन्होंने बनाई। हमने विशेष आकार की अपनी पतंगे भी बनाई। विशेष आकार बच्चों, कोई स्पेशल डिजाइन लिया, कोई स्पेशल शेप ली, उस शेप में उन्होंने पतंगे बनाई। आइए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। आप भी अपनी पसंद के कार्टून के साथ किसी भी आकार की पतंग का चित्र बनाइए। यहाँ पर बच्चों, आपको अपनी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर या अपनी कोई फेवरेट शेप लेनी है और उसी आकार को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर अपनी पिक्चर बनानी है। ये देखिए, मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ, आप उनमें से भी बना सकते हैं। और अगर आपको कोई और फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है या फिर कोई और शेप आपकी जो आपने बनाई हो, क्योंकि कुछ बच्चों बनाते हैं पतंगे घर पर और फिर उड़ाते हैं, उनको पसंद होता है, जबकि कुछ दुकान पर जाते हैं और उन्हें खरीद कर लाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ये देखिए, आप कुछ इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, पेंगुइन का इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये देखिए, डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर के साथ आप इस तरीके से पतंग का चित्र बना सकते हैं। और जो दुकान से मिलते हैं वो पतंगे इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स के साथ प्रिंटेड होती हैं। ये देखिए बच्चों, आप यहाँ से अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को उठा सकते हैं, या फिर इनके अलावा कोई और हो, नोबिता हो गया, सुपर भीम, इस तरीके के कार्टून कैरेक्टर को उठा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पतंग का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी बच्चों वर्कशीट समाप्त होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।